की जय, ऐसी
कथा को लिखा था तो ये बहुत कृपा की बात थी उनके लिए कि जिस समय वो लिख रहे थे उस समय भगवान राम लीला कर रहे थे। भगवान राम ने सेतु का निर्माण कराया था, पत्थर वानर लेकर आए थे, सेतु बनाया गया था। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्या आपको ये करने की जरूरत है? बड़ा ध्यान से सुनना भगवान, ये पद्म पुराण का प्रसंग है। लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुनाथ जी हे मेरे ठाकुर, क्या आपको ये पुल बनाने की कोई जरूरत है? क्या ये ब्रिज बनाना जरूरी है? क्या आपकी कृपा कटाक्ष से सागर हमको रास्ता नहीं दे सकता? आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता? आपके लिए ये पुल बनाना क्या जरूरी है? भगवान राम बोले कि लक्ष्मण, बनाने को तो हम बाणों का ही पुल खड़ा कर दें। बोले फिर ये पत्थर मंगाकर ये पत्थरों का पुल ये किस लिए बनाया जा रहा है? आप चाहो तो सागर आपको रास्ता दे सकता है, आप एक बार कहो तो। आप ये पुल बना क्यों रहे हो? तो भगवान राम मुस्कुराकर बोले कि लक्ष्मण जरा धीरे बोलो, पुल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में लिख दिया है कि राम जी पुल बनाकर लंका गए थे तो पुल बनाकर ही जाऊंगा। मेरे ठाकुर जी का यह स्वभाव है कि जिस भाव के अनुसार भक्त उनको देखना चाहता है मेरे ठाकुर जी वैसा ही बन जाते हैं, वैसी ही वो लीला करना शुरू कर देते हैं।